everyone, my name is Siddham. Today I am going to explain lesson number 90, sky. The sky looks different during the day and at night. जो आसमान है वो अलग तरह का दिखता है दिन और रात में. On a clear sunny day, the sky looks blue in color. पूरा सनी डे होता है तो स्काई नीले कलर में दिखता है. सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. जो सन है वो जो सूरज है वो बहुत जोर से चमकता है आसमान में. द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. जो सूरज है वो एक बड़ा आग का गोला है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. वो हमें गर्मी और रोशनी देता है. द सन इज वेरी बिग बट इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार अवे. जो सन है वो बहुत बड़ा है पर वो छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. ऑन सम डेज वी ऑल्सो सी मैनी क्लाउड इन द स्काई. कई दिनों में हम बादल भी देखते हैं आसमान में. दे आर लाइक वाइट बॉल्स ऑफ कॉटन फ्लोटिंग इन द स्काई. ये दिखते हैं जैसे कि एक वाइट बॉल है कॉटन की, वो तैर रहे हैं आसमान में. डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन. डार्क क्लाउड्स होते हैं वो रेन देते हैं. व्हेन द सन राइजेस इट्स डे. जब सन उदय होता है तो दिन होता है. When the sun sets, it is night. जब सन डूब जाता है तो रात होती है. Sunrise, sunset. We can see a moon in the sky at night. हम एक चांद भी देखते हैं रात में. It shines brightly, but its shape changes every day. ये बहुत जोर से चमकता है पर उसका आकार हर दिन चेंज होता है. At night we also see many moon stars shining brightly in the sky. हम रात में बहुत सारे स्टार्स भी देखते हैं बहुत जोर से चमकते हैं आसमान में. They appear to make different patterns in the sky. वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आसमान में अलग अलग पैटर्न बना सके. Stars looks very small because they are very far away from us. Stars छोटे लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. Crescent moon, half moon, quarter moon, full moon. Beside the sun, moon, clouds and stars, we also see other things in the sky. सन, सूरज, चांद, बादल और स्टार्स के बीच में हम और भी चीज़ें देखते हैं. अ काइट एंड एरोप्लेन, अ हॉट एयर बैलून, अ बर्ड, हेलीकॉप्टर, अ ग्लाइडर.